आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी शाही मखाना मटर रेसिपी। तो उसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपने मखाना रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 कप हमने मखाना लिए हैं, जिनको हम धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। तो क्रिस्पी होने तक इनको भून लेना है और लगातार चलाते हुए इनको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर आप मखाना को चेक कर लीजिए। इस तरीके से जब मखाना क्रिस्पी हो जाए तो बस ये हमारे तैयार हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और वापस से कढ़ाई को रख देंगे गैस पर। और फिर से हमने 2-3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। तो इसमें हमने 3 हरी इलायची डाल दी है। तो यहाँ पर साथ में हमने डाला है 6-7 लहसुन की कलियाँ और 2 प्याज को हमने रफली चॉप करके डाला है। तो बस इनको भी हम धीमी आँच पर चला लेंगे। तो हल्का सा इनको भून लेंगे, इनका कलर चेंज नहीं करना है। उसके साथ में मैंने ये 2 इंच अदरक के टुकड़े को काट कर डाल दिया है। तो इनको हम चला लेंगे 2-3 मिनट के लिए। इनको हम भून लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर प्याज का और लहसुन का कच्चापन निकालना है। बस इनको हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। बस इस तरीके से जब ये हो जाए तो उसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 15-20 काजू ली है और 2 टमाटर को मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। तो इनको भी हम इसी तरीके से कुक कर लेंगे। इसी के साथ में नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच, ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो बस इनको पका लेंगे धीमी आंच पर। 4 से 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर सभी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस इनको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने इनको निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब हम इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इनका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो बस इसी के साथ में हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। इस वक्त डालने से बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी के अंदर। और थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे। तो बस ढक्कन लगाकर इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर से हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। और यहाँ पर तेल डाला हमने कुछ खड़े मसाले, 2 दालचीनी, 2 तेज़पत्ता और 3 लौंग डालेंगे। तो बस इनको धीमी आंच पर चला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर तेल के अंदर आ जाए। और इसी वक्त जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। तो बस इनको हम चला लेंगे। और इसी के साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मिक्सी के जार में घुमाकर, ताकि जो मसाले हमारे वो जले ना और चिपके ना तली में। तो बस धीमी आंच पर इनको हम चला लेंगे, 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसी के साथ में डालेंगे कसूरी मेथी, जिसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। इस वक्त डालने से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी के अंदर कसूरी मेथी का। 1/2 चम्मच नमक मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप। तो जैसे ही तेल सेपरेट होने लगे आप देख सकते हैं, तो इसमें हम अपनी ये मटर डाल देंगे, जिनको मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। ये ताजी मटर है। तो बस इनको हम चला लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी को पकाते हुए और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें काजू। मैंने टुकड़ा काजू डाले 15-20 के करीब। और इसी के साथ में हम यहाँ पर 1/2 कप पानी डालेंगे। बॉईल करके मैंने पानी डाला है। इस वक्त आप इसमें ठंडा पानी ना डालें तो गर्म पानी ऐड करें। अब हमने यहाँ पर डाला है 3 चम्मच के करीब दूध की फ्रेश मलाई, जिसको मैंने फैट करके डाल दिया है। इसकी जगह पर आप अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी। तो बस सब्जी को मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को। इसी के साथ में हम अपने मखाना ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट किए थे। तो मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। ढक्कन लगाकर हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पका लेंगे धीमी आंच पर। तो उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब और धनिया पत्ती डाल देंगे। तो बस मिक्स करके सभी चीज़ों को। और यहाँ पर ये हमारी शादियों वाली, बिल्कुल शादियों वाली शाही मखाना मटर की सब्जी तैयार हो चुकी है। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी और नान के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये